आज हम बनाएंगे बेसन गट्टे की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी, जिसे मैंने बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाया है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। एकदम सॉफ्ट नरम गट्टे बनके तैयार होते हैं और बनाने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगता है। तो चलिए फिर आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप बेसन ले लिया है। इसे मैंने अच्छी तरीके से छान के ले लिया। आपको जितनी बनानी हो उतनी क्वांटिटी में सभी चीज़ों को ले लें। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और आधा चम्मच अजवाइन डाल देंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और काफ़ी अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। इसे अच्छे से क्रश करके डालें। आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। 1 चम्मच इसमें हम ऑयल डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सभी चीज़ें अच्छे से मिलजुल जाएं। और यहाँ देख सकते हैं सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। 1/4 टीस्पून इसमें हम बेकिंग सोडा डाल देंगे। इससे बेसन सॉफ्ट और फुले फुले बनते हैं, जो गट्टे बनते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो लगा के तैयार करेंगे। जैसे हम पूड़ी या पराठे के लिए डो लगाते हैं उसी तरीके से डो लगा लेना है। थोड़ा सा ऑयल डाल के डो को स्मूथ कर देंगे ताकि ये हाथ में चिपके नहीं। अच्छी तरीके से मसल कर गूँथ लें। आप इसे ऐसे गूँथें कि इससे अच्छी सी पूड़ियाँ बेल सकें। डो को मैंने गूँथ लिया है, ये देख सकते हैं। अब हम इससे एक छोटी सी लोई तोड़ेंगे। हमें इसे रोल करना है, ऐसे पेड़े के आकार में बना लेंगे। अब हम इसे रोल कर लेंगे। इसे मैं आटा लगा के रोल कर रही हूँ। आप चाहें तो सूखा मैदा, बेसन, जो भी लगा के रोल करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने इसे 2 तरीके से बताया है। आप चाहें तो सूखे आटे से भी रोल कर सकते हैं और मैं आपको दूसरा ऑयल लगा के भी रोल करना बता दूँगी। ऑयल से भी बहुत ईजली रोल हो जाता है। और अगर आप बहुत कम ऑयल में बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे ड्राई आटा लगा के भी रोल कर सकते हैं। अब हम ऐसे स्टिक से इसे रोल कर लेंगे। स्टिक को बाहर निकाल देंगे, किनारों पे पानी लगा दें ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। बस इसे अच्छी तरीके से फोल्ड कर लें और ये हमारे 1 गट्टे की स्टिक तैयार हो गई है। अब मैं दूसरा ऑयल लगा के रोल करके बताती हूँ। इससे भी बहुत आसानी से रोल हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऑयल लगता है। और यहाँ देख सकते हैं मैंने इसे रोल कर लिया है। अब हम इसे भी स्टिक में लपेट लेंगे। अच्छी तरीके से फोल्ड कर दें, ये तो और आसानी से फोल्ड हो जाता है और इसमें आपको चिपकाने की भी ज़रूरत नहीं होती। ऑटोमेटिक ये चिपक जाता है बहुत अच्छे से। और ये हमारा दूसरा रोल भी तैयार हो चुका है। इसी तरीके से मैंने यहाँ सारे गट्टे बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे उबलने के लिए रख देते हैं। उबलने के लिए मैंने पहले से ही पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। पानी बहुत अच्छे से उबल रहा है। अब हम इसमें सारे गट्टे को डाल देंगे। जब पानी उबलने लगे तभी आप गट्टे को डालें, उससे पहले ना डालें। सारे गट्टे को हम पैन में डाल देंगे। सारे गट्टे को पैन में डाल दें और इसे 8 से 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे उबाल लेंगे। जब तक गट्टे उबलते हैं तब तक मसाले बना लेते हैं। मसाले बनाने के लिए मैंने यहाँ प्याज को ऐसे 2 काट के ले लिया है रफली, लहसुन और 3 लाल मिर्च ले लिए हैं। और गरम मसालों में मैंने जीरा, धनिया, बड़ी इलायची, दालचीनी और काली मिर्च और लौंग ले लिया है। सभी काम पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। और यहाँ गट्टे भी हमारे उबल के तैयार हो चुके हैं। फटाफट से इन्हें हम कट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से थोड़े छोटे या बड़े कट कर सकते हैं। ये गट्टे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, खाने में भी अच्छे लगते हैं और इसकी ग्रेवी भी मैंने डिफरेंट तरीके से बनाई है, जो बहुत ही कम चीज़ों में बनी है। मैंने बिना टमाटर का बनाया है लेकिन खाने में बहुत ही डिलीशियस है। ये सब्जी मैंने अपने घर में बनाया, सभी को बहुत ही पसंद आया है। और यहाँ मैंने गैस पे सेम पैन रख दिया है। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल दें। ऑयल को गर्म हो जाने दें। अब हम जो मसाले का पेस्ट बनाए थे उसे डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के डाल दें ताकि जार से सारे मसाले निकल आएँ। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है क्योंकि प्याज बिल्कुल कच्चा है तो हमें उसे बहुत अच्छे से रोस्ट करना है। 1 चम्मच इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मसालों को लगभग 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। और मैंने इसे बहुत अच्छे से रोस्ट कर लिया और ये देख सकते हैं मसालों से तेल कितने अच्छे से अलग होने लगे हैं। एकदम दानेदार मसाले रोस्ट हो गए हैं। 3 से 4 मिनट और रोस्ट करेंगे।
और यहाँ देख सकते हैं मसाले बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए। मसालों को मैंने पूरे 15 मिनट रोस्ट किए हैं, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। मसाले जितने अच्छे रोस्ट होंगे आपकी जो सब्ज़ी उतनी टेस्टी बनेगी। एक कप इसमें हम पानी डाल देते हैं, पानी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको ग्रेवी रखनी हो। ग्रेवी में अच्छी सी उबाल आने देते हैं और यहाँ देख सकते हैं ग्रेवी में बहुत अच्छी सी उबाल आ रही है। अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें जो गट्टे बनाए थे उसे डाल देंगे, एक एक करके सारे गट्टे को डाल दें। और मैंने यहाँ सारे गट्टे को डाल दिया है, अच्छी तरीके से एक बार मिला लेंगे। अब हम इसे ढक कर पूरे 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। अच्छी तरीके से ढक दें और 8 से 10 मिनट के लिए पका लें। और मैंने इसे पूरे 10 मिनट पकाए हैं। हमारे गट्टे की सब्जी बन के तैयार हो गई है, बहुत ही डिलीशियस बनी है। अभी ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाएगा। लास्ट में हम थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती से गार्निश कर देंगे और ये हमारी बेसन गट्टे की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बन के तैयार हो गई है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।